हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग जो हमारे इंग्लिश से हिंदी में रहेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे वर्ड हैं जिसको मैंने आज के द हिंदू पेपर में से पिक किया हुआ है। तो हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम 6 वर्ड्स देखेंगे और उस वर्ड से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस और उस वर्ड को याद रखने के लिए एक हम ट्रिक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप भी उसे कर सकते हैं और ग्रुप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का जो मेरा फर्स्ट वर्ड है वो है इंडोमिटेबल। सो इंडोमिटेबल का मतलब हो जाएगा अजय, मतलब आप हारते नहीं हो, आप हर समय जीतते हो, तो उसको हम बोलते हैं अजय या इंडोमिटेबल। तो जैसे ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये जो स्विमर है फिलिप्स, तो ये क्या मतलब, ये मोस्ट ऑफ दी जो भी रेसेस रहते हैं ये सारे जीत जाते हैं, तो इनको हम बोल देंगे ये अजय हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, मतलब इंडोमिटेबल का इम्पॉसिबल टू सब्सिड्यू और सब्ड्यू और द डिफेट, मतलब आपको हराना उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो हम उसको बोल सकते हैं इंडोमिटेबल। और इसका जो मेरा ट्रिक रहने वाला है फ्रेंड्स, वो क्या रहेगा, इंडोमिटेबल मीन्स इम्पॉसिबल टू डोमिनेट, मतलब आप किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं हो पा रहे हो, मतलब वो सामने वाला क्या एकदम अजय है, वो हारने वाला नहीं है। यहाँ से हम इसको इस ट्रिक से भी इस वर्ड को याद कर सकते हैं। और मेरा इसका सिनोनिम्स है फ्रेंड्स इंडोमिटेबल का, अनबीटेबल या इनविंसिबल। और इसका जो अपोजिट क्या रहेगा, वो वल्नरेबल या डिफेंसलेस। तो मतलब एंटोनिम्स है, डिफेंसलेस है वो, मतलब वो डिफेंस ही नहीं कर सकता, मतलब वो जीत ही नहीं सकता, यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं। और अनबीटेबल मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता, सिनोनिम्स। और एक एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अजय टीम इंडिया, मतलब जैसे देख ही रहोगे कि आप जो कल टीम इंडिया और ओडीआई के सारे सीरीज जीत जा रही हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं कि वो एकदम अजय हैं, वो इंडोमिटेबल है। सो अ वुमेन ऑफ इंडोमिटेबल स्पिरिट, एक जो महिला की शक्ति थी वो एकदम क्या थी, एकदम अजय थी, और उसका जो स्पिरिट था वो एकदम इंडोमिटेबल था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एडिफिस। सो एडिफिस का मतलब क्या हो जाएगा, महल या कोई भी चीज है, हम बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर है, कोई भी बहुत एक अच्छा उसको हम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, बिल्डिंग भी बोल सकते हैं। तो जैसे देख रहे होंगे कि ताजमहल है, ताजमहल एक बहुत ही ज्यादा एक एडिफिस है, मतलब एक महल है वो। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स एडिफिस का, अ लार्ज और द इम्पोजिंग बिल्डिंग, मतलब एक बहुत ही ज्यादा आकर्षक बिल्डिंग है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं वो महल है। और जो एडिफिस है ये किसके जैसा साउंड हो रहा है, साउंड लाइक द हेड ऑफिस ना, एडिफिस हेड ऑफिस, सो मीन्स बिग साइज बिल्डिंग, मतलब एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बिल्डिंग रहता है, वहीं एक हेड ऑफिस किसी का भी स्टेबल रहता है, तो एडिफिस हेड ऑफिस ऐसा एक जनरल में इसका साउंड हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एडिफिस है मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर, और उसका जो अपोजिट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हट हो जाएगा, कोई झोपड़ा हो जाएगा या कोई एक छोटा सा रहने का घर बोल सकते हो, या मतलब उसका जो बिल्डिंग है वो आकर्षित नहीं है, हम उसको बोल सकते हैं हट बोल देंगे। और अगर एक हिंदी में सेंटेंस देखिए तो क्या हो जाएगा, वो यह एक भव्य इमारत थी, मतलब इट वॉज एन इम्पोजिंग एडिफिस, ये हमारा इंग्लिश और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन रहेगा फ्रेंड्स। और इस वर्ड के हेल्प से भी, इस सेंटेंस के हेल्प से भी इस वर्ड को हम याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कैप्साइज। सो कैप्साइज का मतलब क्या होता है, पलट जाना। तो जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे तो इसका क्या हो गया, बोट पानी में क्या हो गया, पलट गया। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑफ अ बोट, एक बोट के बारे में रिलेट करें तो बी ओवरटर्न्ड इन द वाटर, तो मतलब पानी में वो क्या हो गया, ओवरटर्न हो गया, वो पलट गया, तो उसको हम बोलेंगे वो कैप्साइज हो गया। सो इसका ट्रिक रहने वाला है फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू नो द साइज ऑफ कैप विच इज जनरली प्रेजेंट इनसाइड द कैप, वी नीड टू ओवरटर्न इट टू सी द साइज। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आपको कैप का साइज फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, तो आप क्या करते हो कि कैप को उल्टा करते हो और उसके अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है वहां से आप याद करते हो, और उसके जब भी आप मतलब आपने क्या किया, पलटा कैप को, आप पलट दिया, मतलब आपने क्या किया, कैप साइज, कैप की साइज पता करने के लिए हम उसको पलटते हैं, ये हमारा ट्रिक रहेगा। और अगर एक ओवर टर्न देखें, सिनोनिम्स इसका टर्न ओवर, टर्न अपसाइड डाउन, ये हमारा सिनोनिम्स रहेगा। और अपोजिट क्या रहेगा, राइट, मतलब पलट नहीं रहा वो एक ही डिरेक्शन में, या राइट है एकदम, यहाँ से हम बोल सकते हैं। और अगर एक सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा हिंदी में, लहरों ने एक नाव को उलट दिया था, मींस बोट वाज कैप्साइज्ड बाय द वेव्स।
मतलब वेव से जो लहरें थी उससे क्या हुआ था, नाव पलट गया था। ये हमारा इंग्लिश में एक सेंटेंस रहेगा फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स लिजर्डी मैन। सो लिजर्डी मैन का मतलब क्या हो जाएगा, जादू या कोई जादू करने वाला है, मैजिक करने वाला है। तो इसका जो आप देख रहे होंगे इसका एडजेक्टिव हो गया स्किलफुल यूज ऑफ वन्स हैंड व्हेन परफॉर्मिंग कंज्यूरिंग ट्रिक्स। तो मतलब क्या कर रहा है कि अपने जो उसके जो स्किल है वो किसी को शो कर रहा है, हाथ की सफाई कर रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हो लिजर्डी मैन है, मतलब जादूगर है। और लिजर्डी मैन का अगर एक ट्रिक देखा जाए तो क्या हो जाएगा, रिमेम्बर एज अ लिजर्डी मैन लिजेंडरी मैन। तो ये कोई लिजेंडरी मैन है तो मतलब क्या, उसमें बहुत ही ज्यादा स्किल होगा, जादू होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं। और सिनोनिम जैसे कोई जादूगर है, जादूगर है तो स्लेंट ऑफ हाइट मतलब हाथ की सफाई, या मैजिक हम बोल सकते हैं। और कोई भी स्किलफुल है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डलनेस। ये हमारा एक अपोजिट रहेगा। और फ्रेंड्स अगर एक हम हिंदी में सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा, मोती एक प्रसिद्ध लिजर्ड मैन है, मतलब मोती है वो क्या एक बहुत ही अच्छा जादूगर है। और अगर एक इंग्लिश में सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा, ही डज मैजिक एट चिल्ड्रंस पार्टी, मतलब वो बच्चों की पार्टियों में क्या करता है, जादू दिखाता है, जादू करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स प्लॉडिट। सो प्लॉडिट्स का मतलब होता है शाबाशी देना या किसी को आप अप्लाइज कर रहे हो, ये हमारा हो जाएगा। सो द अपलॉज, अपलॉज हो जाएगा, अपलॉज ऑफ एन ऑडियंस, मतलब आप ऑडियंस का क्या कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, शाबाशी कर रहे हो, तो हम उसको बोल सकते हैं प्लॉडिट्स कर रहे हो। तो अभी देखिए इस वर्ड को याद रखने के लिए हमारा ट्रिक क्या रहेगा, रिमेम्बर एज अ प्लॉड मीन्स अपलॉड, अपलॉज हम यहाँ से हमारा ट्रिक रहेगा। और किसी को आप शाबाशी दे रहे हो तो मतलब प्रेस कर रहे हो, कांग्रेस कांग्रेट्स कर रहे हो, कांग्रेचुलेशन या कॉम्प्लीमेंट उसको कर रहे हो आप। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंडेमनेशन हो जाएगा या क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप उसकी खिंचाई कर रहे हो। तो यहाँ से हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। अब जैसे अगर एक हिंदी में सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा, युजवेंद्र चहल को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए शाबाशी मिली, मतलब युजवेंद्र चहल गॉट दी प्लॉडिट्स फॉर ही सुपर बॉलिंग। तो मतलब उसके एक अच्छे बॉलिंग के लिए उसको प्लॉडिट्स मिला, सम्मान मिला, शाबाशी मिली। हम यहाँ से इस सेंटेंस से इस वर्ड को याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारा लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स नॉक्सियस। तो नॉक्सियस का मतलब क्या हो जाएगा, हानिकारक या हार्मफुल। तो जैसे देख रहे होंगे कि ड्रग्स, टोबैको या जो बियर्स हैं ये सारे क्या है, हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, मतलब इंजूरियस हैं। सो हार्मफुल, पॉइजनस और वेरी अनप्लीजेंट, ये हम कर सकते हैं। और अगर एक इसका ट्रिक देखें नॉक्सियस का, तो नॉक्सियस ये टॉक्सियस जैसा हो रहा है, सो मीन्स हार्मफुल। टॉक्सियस नॉक्सियस इज रिलेटेड ये हार्मफुल है। अब इसका अगर एक सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पॉइजनस रहेगा, टॉक्सिक रहेगा या डेडली रहेगा हम बोल सकते हैं। अब कोई चीज हानिकारक है, हार्मफुल है, तो उसका जो अपोजिट रहेगा वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा, प्लीजेंट रहेगा। और अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है मीन्स हानिकारक है, ये हम कर सकते हैं। स्मोकिंग इज नॉक्सियस टू हेल्थ, ये आप सेंटेंस जानते ही होंगे। हाँ फ्रेंड्स ये रहा पूरा आपके लिए समरी। तो पहला वर्ड था इंडोमिटेबल। सो इंडोमिटेबल का मतलब हो जाएगा अजय, मतलब जैसे फिलिप्स ये क्या है, स्विमर है, ये कभी हारते नहीं है, तो हम बोल सकते हैं एकदम अजय है। नेक्स्ट था हमारा एडिफिस। तो एडिफिस से ये भवन या इमारत, बहुत कोई भव्य, बहुत ही ज्यादा उसका जो बिल्डिंग है स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा आकर्षित है, आकर्षित करता है, तो उसको हम महल बोल देंगे। नेक्स्ट वर्ड था हमारा कैप्सिस। सो कैप्सिस कैप्साइज, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, पलट जाना। तो जैसे कैप का साइज आपको फाइंड आउट करना है तो आपको पलटना पड़ेगा उसको। और नेक्स्ट वर्ड था हमारा लिजर्डिमेंट। सो लिजर्डिमेंट से ये था मतलब जादूगर है ये। नेक्स्ट वर्ड था प्लॉडिट्स, सब क्लैप कर रहे हैं मतलब उसको शाबाशी दे रहे हैं, तो हम शाबाशी बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड था हमारा नॉक्सियस, ये सारी चीज हमारे लिए क्या हार्मफुल है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये हानिकारक है। फ्रेंड्स ये रहा आपके लिए राइफ और प्लेटिट्यूड। तो राइफ और प्लेटिट्यूड का आप मुझे इस दोनों वर्ड का हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस, और इस दोनों वर्ड को याद रखने के लिए आप मुझे ट्रिक कमेंट्स बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर करिएगा। थैंक यू।